Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm a Scratchguard. So let's start with the set number 29 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set is on three variable Venn diagram which I've taken from previous year's MCATs, and the set says total 15,000 students attended music shows in Delhi. Each student would buy ticket for at least one out of the following three singers, Diljit, Shubh and Karan. Additionally, the following information is known. In all, 7,300 students are not buying ticket for Diljit. In all, 8,100 students are not buying ticket for Shubh. In all, 8,800 students are not buying ticket for Karan. In all, 2,200 students are buying ticket neither for Diljit nor for Shubh. In all, 3,300 students are buying ticket neither for Diljit nor for Karan. In all, 4,700 students are buying neither ticket for Shubh nor for Karan. ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर ऑल द थ्री सिंगर्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर बोथ दिलजीत एंड शुभ. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर बोथ दिलजीत एंड करण. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर एटलीस्ट टू सिंगर्स. ठीक है, स्टैंडर्ड वेन डायग्राम का प्रॉब्लम है जहाँ पे तीन वेरिएबल का वेन डायग्राम है. तीन वेरिएबल में यहाँ पे दिलजीत, शुभ और करण तीन सिंगर्स है जिनके टिकट के कॉन्टेक्स में कुछ दिया हुआ. टोटल जो सैंपल साइज दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है. नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये जो है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी नॉट नॉट करके दी गई है. जनरली ये स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव वे में रहते हैं तो हमारे लिए इजी होता है वो सर्कल को फिल कर पाना. सिंस ये नॉट बाइंग वाले हैं तो अपने को वो चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. तो मैंने क्या करा होगा, एक तीन सर्कल का कॉम्बिनेशन बना लिया. लेट्स से दिस इज दिलजीत का सर्कल, ठीक है, दिस इज करण का सर्कल एंड दिस इज शुभ का सर्कल. ठीक है, मान लेते हैं कि ये वैल्यू है ए, ये वैल्यू है बी, ये वैल्यू है सी, ये वैल्यू है डी, ये वैल्यू है ई, एफ एंड जी. ठीक है, अब इनका सम अप करके देखते हैं कैसे कैसे चीजें, बिकॉज अपने को क्या पता है ए प्लस बी, ए बी सी डी ई एफ जी का जो सम है वो क्या है, वो है 15,000 का. ये तो पता है अपने को, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 15,000, ये दे रखा है. इसके अलावा अपने को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करते हैं. पॉइंट नंबर वन क्या कह रहा है, इन ऑल 7,300 स्टूडेंट्स आर नॉट बाइंग टिकट फॉर दिलजीत. 7,300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टिकट की दिलजीत की टिकट नहीं खरीदते हैं. तो वो टिकट कौन खरीद रहा है, यही तीन है जो खरीद रहे होंगे क्योंकि दिलजीत का सर्कल ये वाला है. यानी कि बी एफ और जी ऐसे होंगे जो कि टिकट नहीं खरीद रहे, यानी कि बी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 7,300. ठीक है, ये मेरे को मिल गया पॉइंट वन. पॉइंट नंबर टू क्या कह रहा है, इन ऑल 8,100 स्टूडेंट आर नॉट बाइंग टिकट फॉर शुभ. 8,100 स्टूडेंट ऐसे जो कि शुभ वाली टिकट नहीं ले रहे, यानी कि ये टिकट नहीं ले रहे, यानी कि वो ये वाले ले रहे होंगे. यानी कि पॉइंट नंबर टू से मेरे को मिल गया ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 8,100. ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है शुभ का नहीं ले रहे, तो मतलब ये तीन ऐसे होंगे. बिकॉज मैंने ए जो रीजन है ये इतने रीजन को लिया, सी जो रीजन है ये वाला रीजन है, डी ये वाला रीजन है, मतलब ए ओनली दिलजीत वाला रीजन है, बी ओनली करण वाला रीजन है, जी ओनली शुभ वाला रीजन है, और डी जो है ये जो डी है ये दिलजीत इंटरसेक्शन शुभ, ये इन दोनों का रीजन है और ये तीनों का कॉमन रीजन है. ठीक है, पॉइंट नंबर वन का यूज के लिए, पॉइंट नंबर थ्री यूज के लिए, पॉइंट नंबर थ्री पे आते हैं. इन ऑल 8,800 स्टूडेंट आर नॉट बाइंग टिकट फॉर करण. 8,800 स्टूडेंट ऐसे जो कि करण के लिए टिकट नहीं ले रहे. अगर करण के लिए टिकट नहीं ले रहे यानी कि वो ये वाली टिकट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, यानी कि ये तीनों ने लिया होगा. यानी कि A प्लस डी प्लस जी इज इक्वल टू कितना है, 8,800. ठीक है, पॉइंट नंबर वन टू थ्री से हमने कुछ इक्वेशंस बना लिए. अपने को एक बड़ा इक्वेशन पता है ए बी सी डी एफ जी का सम है 15,000. अपने को ये तीन इक्वेशंस और मिल गए. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली छह वो सेंटेंस को पढ़ के जितने इक्वेशंस क्रिएट कर पा रहा हूँ, देन आई विल फिगर आउट कि कहां से क्या वैल्यू मिल पा रही है. ठीक है, पॉइंट नंबर फोर क्या कह रहा है, इन ऑल 2,200 स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट नीदर फॉर दिलजीत नॉर फॉर शुभ. 2,200 बच्चे ऐसे ना ही वो दिलजीत की टिकट लेते हैं ना ही वो शुभ की टिकट लेते हैं. यानी कि वो कौन से वाले बच्चे हैं, वो ए भी हट गया, वो सी भी हट गया, वो ई भी हट गया, वो डी भी हट गया, वो जी भी हट गया, वो एफ भी हट गया. पॉइंट समझ आ रहा है, यानी कि वो कौन से बच्चे हैं, यही बच्चे हैं बी वाली. यानी कि एक तुम्हें वैल्यू मिल गई बी की जो कि होने चाहिए 2,200. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2,200. ठीक है, ये 2,200 बच्चे कौन से हैं, ये बी की बात कर रहा है. 2,200 बच्चे ऐसे हैं, फिर से पढ़ लेता हूँ स्टेटमेंट, इन ऑल 2,200 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि दिलजीत की भी टिकट नहीं खरीदते और शुभ की भी नहीं खरीदते. यानी कि उन्होंने ओनली करण वाले वैल्यू ली होगी, ओनली करण की टिकट ली है, तो वो कितने 2,200. ठीक है, अच्छा, इन ऑल 3,300 स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट नीदर फॉर दिलजीत नॉर फॉर करण. इसी तरीके से 3,300 स्टूडेंट ऐसे जो कि दिलजीत के लिए भी नहीं ले रहे और करण के लिए नहीं ले रहे, यानी कि वो ओनली शुभ वाली वैल्यू है
यानी कि वो ये वैल्यू मिल गई 3300 की, ठीक है। इन ऑल 47 अनियन स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट नीदर फॉर शुभ नॉट फॉर करण। ऐसे ही अपने को ये भी मिल गया कि 4700 ऐसे हैं जो कि ना ही करण की टिकट ले रहे हैं ना ही वो शुभ की टिकट ले रहे हैं, यानी वो कौन है, दिलजीत वाली ऑडियंस है जो कि 4700 है, ओनली दिलजीत वाली टिकट, ठीक है। तो बेसिकली 0.456 से अपने को ओनली दिलजीत, ओनली करण, ओनली शुभ, यानी कि ए की वैल्यू, जी की वैल्यू और बी की वैल्यू मिल गई। अब ये तीन वैल्यू को यूज करके क्या मैं इक्वेशन में यहां भरूं तो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ए मिल चुका है, मेरे को जी मिल चुका है, मेरे को बी मिल चुका है। मैं से पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर ऑल थ्री सिंगर्स, यानी मेरे को ई की वैल्यू पूछा हुआ है। ई की वैल्यू कहाँ पे मिल सकती है, इन्हीं में से कहीं पे मिल सकती थी, या इनको पहले फिगर आउट करा जाए, क्योंकि मेरे को ई पे जाने के लिए बाकी वैल्यूज भी पता होना जरूरी है, ठीक है। अगर ध्यान दो तो ये ए डी जी क्या है, ये इन्हीं तीनों वैल्यू का सम है, क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू मिली हुई है विच इज 4700, मेरे को जी की वैल्यू मिली विच इज 3300, तो दोनों का सम कितना हो गया 47 और 3 हो गया 50, 50 और 3 हो गया 8800, सॉरी 8000, ए और 3 47 और 3 5000, 5003 8000, यानी कि डी की वैल्यू मिल गई अपने को, डी की वैल्यू कितनी मिल गई है, डी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 800, ठीक है। बेसिकली यहां से मैंने इसको फिक्स कर लिया, ए की वैल्यू पता थी, जी की वैल्यू पता थी, डी की वैल्यू अपने को मिल गई, तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके डी की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 पे वैल्यू देखें कुछ मिल सकती, अपने को ए और बी दोनों की वैल्यू पता है, ए और बी का सम कितना है 47 और 2200, 47 और 2 कितना हो गया 49, 49 और 59 और 69, ठीक है, तो 6900, 6900 में से 8100 को माइनस करना है, तो 8100 में से वो करेंगे तो कितना रह जाएगा, सी की वैल्यू मिल जाएगी 1200, ठीक है, अपने को ये भी मिल गया 1200, ठीक, तो अपने को ये भी पता चल गई, हमने ये भी यूज कर लिया। बी एफ जी यानी कि बी एफ जी यानी कि ये वाला, ये तीनों का सम भी पता है, जिसमें से बी और जी पता है विच इज 2200 एंड 3300, 2200 और 3300 कितना हो गया, 2200 और 3300 आपका होता है 2200 और 3 55 55, 7300 माइनस 1500 तो कितना हो गया 20 और 18 1800, यानी कि ये आ गया आपका 1800, ठीक है, आपको ये भी मिल गई। अगर आप ध्यान दो तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई, अब आपको बस ए की वैल्यू निकालना बाकी है। अब क्या है, मेरे लिए आसान है, बिकॉज ए का हमको सम पता था वो कितना, मतलब पूरे का सम पता था वो कितना होना चाहिए था 15000, तो 15000 माइनस ऑल दीज वैल्यूज कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा, तो कर लेते हैं, यानी कि 47, 8, 53, 53 और 2, बेसिकली इन दोनों को सम अप कर लेते हैं तो ये 2047, यानी कि 67 67, और इन दोनों को सम अप कर लेते हैं तो 4000, यानी कि 10700 10700 में 300 ऐड कर लेते हैं, तो 10700 में 300 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 11000 11000 में 3 और कर देंगे तो 14000, यानी कि यहाँ पे कितनी बचनी चाहिए 14000 में से 15000 में से 14000 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा वैल्यू 1000, यानी कि यहाँ पे आ गया 1000, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई 4700, बी की वैल्यू मिल गई 2700, ये तो हमें इंफॉर्मेशन में दी रखी थी, सी की वैल्यू हमने फिगर आउट कर ली है, हमने डी की वैल्यू कितनी है 800 है, और क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ई की वैल्यू कितनी है 1000 मिल गई, एफ की वैल्यू मिल गई अपने को 1800, जी की वैल्यू मिल गई 3300 एंड दैट्स इट, ई एफ जी 1 2 3 4 5 6 7 7 7 के एलिमेंट्स के अपने को वैल्यू यहाँ पे फिगर आउट कर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर ऑल दी थ्री सिंगर्स, यानी कि ये वाला कंपोनेंट पूछा है, यानी कि हमें चाहिए 1000, 1000 बच्चे ऐसे जिन्होंने तीनों की टिकट ली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर बोथ दिलजीत एंड शुभ, दिलजीत एंड शुभ, यानी कि दिलजीत एंड शुभ कितना हो गया, दिलजीत और शुभ, यानी कि ये वाला नंबर, ये डी और ई वाला नंबर, यानी कि ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 800 और 1000, यानी कि 1800 होना चाहिए, ठीक है। ये है ना दिलजीत एंड शुभ, यानी कि ये सर्कल जो कि ओनली दिलजीत एंड शुभ ने बोला हुआ, दिलजीत एंड शुभ बोला हुआ, ठीक है। तो जहां पे अपने को ये वाला भी लेंगे, जहां पे वो तीनों वाला होगा, बिकॉज दोनों का भी लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर बोथ दिलजीत एंड करण, दिलजीत एंड करण यानी कि दिलजीत और करण के लिए, यानी कि ये वाला नंबर, ठीक है। ये नंबर कितना हो गया 1200 और 1000, यानी कि ये आ गया 2200। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बाइंग टिकट फॉर एटलीस्ट टू सिंगर, एटलीस्ट टू सिंगर मतलब दो सिंगर और तीनों सिंगर का हो सकता है, बिकॉज एटलीस्ट का वर्ड यूज करा गया, यानी कि 1200 और 800 कितना हो गया, ये आपका आ गया 2000 1000, इसमें जोड़ लेंगे 3000 3000 और ये 1800, यानी कि 4800, ठीक है। सो इजी सेट, बट वेन डायग्राम के प्रैक्टिस के लिए
एक अच्छा सेट था टू स्टार्ट विद। सो बेसिकली आगे के 5 सेट आई हैव प्लान्ड कि मैं वेन डायग्राम पे करूंगा, बिकॉज़ एक सेट पीछे करा था एंड एक सेट अभी ये कर दिया। कोशिश ही करेंगे टिल 35 जितने भी हैं, यानी कि अभी 29 ये जा रहा है, जो नेक्स्ट 6 सेट्स होंगे वो हम वेन डायग्राम के अच्छे एलओडी वाले पे धीरे धीरे लेके जाएंगे, एंड कोशिश ही करेंगे कि उसमें मैक्सिमम मिनिमम वाले सेट भी हम कवर करें। ठीक है, चलो की प्रैक्टिसिंग।